स्टोरी बताने वाला हूँ। तो भाई मेरी पहली वीडियो यूट्यूब पर मेरा डांस, मेरी अम्मी ने कहा कि ये जो वीडियो बनाई हुई है ये तुम फेसबुक पे अपलोड करो। मैंने कहा यार अम्मी अब फेसबुक कौन यूज़ करता है, अब फेसबुक इतना मैं नहीं यूज़ करता। मैंने कहा एक काम करता हूँ यूट्यूब पे डाल देता हूँ, शायद वहाँ कुछ लोग देख लें। तो मेरी पहली वीडियो थी वो मैंने यूट्यूब पे डाली, मैंने अपने दोस्तों को दिखाई। तो एक स्कूल के लड़के ने कहा इसमें एडिटिंग क्यों नहीं की। मैंने कहा एडिटिंग ये क्या होता है। जी हाँ, उसने कहा एडिटिंग ज़रूरी तो नहीं होती लेकिन अगर तुम कर लो तो बेहतर है। सही है भाई। तो मैं कुछ मतलब ऐप्स ढूंढता रहा पूरा दिन कि ये किससे बनाना है, वो कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। मैं पूरा दिन लगा रहता था यूट्यूब पर ही, ये क्या होगा वो क्या होगा। मैंने अपने क्रेजी वैंस जब ज्वाइन करा तो मैंने वहाँ से ही शुरू कर दिया था कि यार इन लोगों को किसी दिन बताऊँगा और एडिटिंग शुरू करूँगा। मैंने हर रोज़ मेहनत की, कुछ ना कुछ ढूंढता गया, ये तो वो तो। मैंने बहुत, जिस दिन मैं इन्हें बताने के लिए सुबह, जिस सुबह मैंने इन्हें बताना था उससे पहले इन लोगों ने मुझे कहा चलो भाई टाटा क्रेजी वैंस से आप होंगी हो जाओ। बस उस दिन मैं आपको तो पता है गुस्सा जब आ जाता है बंदा का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बस मैंने गुस्से में अगले दिन ही अपनी एक वीडियो बनाई, अच्छी बनी। तो मेरी फर्स्ट एडिट वीडियो थी वो आप लोग, ये थी मेरी वो। और अब जब मैं एक बड़ा पैमाने पे आ गया हूँ तो भाई पहले मोबाइल से करता था, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, अब मैं अच्छे लैपटॉप से करता हूँ, अपने लैपटॉप से करता हूँ। यानी कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी एडिटिंग को बढ़ाता गया, अपने लेवल को ऊंचा करता गया। तो भाई अभी जो मेरा टारगेट चल रहा है 100 सब्सक्राइबर चल रहा है मैंने। तो भाई आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी एडिटिंग को और अच्छा किया है, और अच्छे लोगोज निकाले, और अच्छे इंट्रोज बनाया, सब कुछ मेहनत करी है। वैसे ये इंट्रो लास्ट है, मैंने बहुत मेहनत करी है यार इस चैनल के लिए। लेकिन अब वक्त ये आ गया है आप लोगों को भी मेरी कुछ मदद करनी होगी। ऐसे मैं हर वीडियो पे कहता हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, तो इस बार ज़रूर करें, शेयर माई वीडियो। भाई क्या कर रहे हो, शेयर करो वीडियो को, लाइक भी करो। तो भाई ये थी वो स्टोरी। और एक और भी आप लोगों को बात बतानी थी मैंने, कल की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था अगले हफ्ते आएगी, इस हफ्ते फनी वीडियो आएगी। तो एक नई फनी वीडियो आ रही है जिसका नाम है घोस्ट बी लाइक इन पाकिस्तान, जी ऐसी आ रही है। और एक व्लॉग आ रहा है, जी हाँ व्लॉग आ रहा है। तो उसके लिए कुछ दिनों तक कोई वीडियो ना आए तो हम माजरत ख्वाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग अच्छा बना था, सेकंड थर्ड भी अच्छा बनेगा। मेरी पर्सनल ये मतलब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मेरा तीसरा व्लॉग भी अच्छा लगे, आप लोगों को मेरी एडिटिंग अच्छी लगे, मैंने बहुत कोशिश की है। तो आप लोग देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा क्या चीज़ मेरी रह गई है, आप मुझे वो बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। गर्मियाँ चल रही हैं और पंखे भी बंद हैं, तो ये अगर आप लोग देख सकते हैं तो देख लें पसीना, कितना पसीना आ चुका है क्योंकि मेरा पंखा बंद है और आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड होता कि इसलिए मैंने पंखा बंद करा है। तो गाइस देखें, ये नहीं बोला करें कि यार तुम अभी तो कमरे में ही हो, कुछ बाहर जाओ, ये बनाओ वो बनाओ। यार आप ये देखो लड़का मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है लड़का, ये देखो, ये ना देखो कि क्या कर रहा है ये, यार बाहर नहीं निकलता, ये करता है वो करता है, बस बोलता रहता है। अबे भाई ये देखो मेहनत कितना कर रहा है लड़का, ये देखो, ये देखा करो। मुझे परसों एक कमेंट आया था कि क्या आपने कैमरा चेंज किया। नहीं मैंने कैमरा चेंज नहीं किया, वो तो लाइटिंग ऐसी है, एडिटर अच्छा मिल गया और मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है वो थोड़ी अजीब है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं करा। बस वो तीन लाइटें जो ऊपर की जल रही हैं वही जल रही हैं, और कमरे की लाइट जल रही है, और ये मच्छर। बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।